सुबह जाता है, मैं सुबह जाता है और रात को आता है, ऐसा भी तो हो सकता है। सुबह जाती है रात को आती है, बस क्यों तुम फिर ये पराठा पका रहा है? तुम अपना भी तो बताओ ना। ये देखें, ये नीचे वाओ। से पक गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज अली को दिल किया था कि आलू के पराठे खा लूं, इसलिए मैं आलू मेथी पराठा बनाने लगी और अली माशाल्लाह बहुत शोर कर रहे हैं। अगर आवाज ना आए तो बहुत बहुत सॉरी। आप भी देखें मैं कैसे पराठा बनाती हूँ। ये सबसे ज्यादा हमारा वाली पराठा है, जब बनाओ किचन में इतना हमारा होता है। और क्या बताऊं, आप सुनाओ आप सब कैसे हैं? अपने घर में ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो तवा काफी ज्यादा गर्म हो गया, इसको थोड़ा स्लो कर दो। ये देखिए मैंने ऐसे छोटे छोटे दो फेरे लिया था, मैंने ये खोल के रख दी और ये भी खोल के रख दी। उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको आ रही होंगी। आज अली वीडियो की कैमरामैन बन गया और मैं पराठा बना रही हूँ। थैंक यू। ये देखिए मैंने ये ऐसे ऐसे किया था कंटे के साथ, अभी थोड़ा सा और कर दूँ। ये जब खाओ तो अच्छा लगता है, सर्दियों में साग वाली खाओ और आलू मेथी वाली खाओ, आलू गोभी वाली खाओ, बहुत अच्छा लगता है। और भी कुछ पराठा ऐसे होते हैं लेकिन मुझे ये बस ये पता है, यानी कि इसी सालन से बनता है। लोग तो काफी काफी सालन से भी बना लेते हैं, वो कोई चने की दाल से बना लेते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। इसको ऐसे सालन को इसके अंदर पेरे के अंदर अच्छी तरह लगा लेते हैं। वाओ। और हमारी वीडियो पूरी देखा करें, इंस्टाग्राम से भी हमें फॉलो करें अलिफ एंड फिजा के नाम से। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें, इतना सा काफी है, मैंने कर दिए। अब मैं ये ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे इसको थोड़ा सा खोल के इसके ऊपर लगा दूंगी और इसको इधर से ऐसे ऐसे बंद करेंगे। अगर मैं पराठा बनाने में कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे बताएं जरूर कि मैं किधर से गलत कर रही हूँ, किधर से सही कर रही हूँ। मैंने ये सही तरह बंद कर दिया। अब मैं साफ हाथ से इसके ऊपर ऐसे आटा डाल लूंगी और ये तो ऐसे ऐसे पहले गंदे हाथ से बनाए वो, इतना ज्यादा ना लगाओ खुशका, इतना नहीं लगाते। अच्छा लगाओ। सिस्टम पूरा खराब हुआ पड़ा है। आप चुप करो, मैं बना रही हूँ, आप मेरे पराठा खाओ जो कि मैंने पहले बनाया। हाँ इधर हो जाओ बेटे, पीछे तो हो जाओ ना। ये देखो, इसको देख लो, ये इसको देख लो, ये नूडल नूडल है। साइड पे हो जाओ। ये देखो ये पहला वाला पराठा बनाया है। और तो मेरा बर्तन भी देखो, ये बर्तन भी देख लें। अब ये हो गया, इसको देखें, मैंने जो आटा लगाया मैंने पीछे भी वही लगाया है। देखने में तो मजेदार लग रहा है, खाने में भी इंशाल्लाह मजे के लगेंगे। आप देखें इसको थोड़ा सा ऐसे खोलें, इसका सेटिंग करें और इसको 1 2 3 वेरी गुड वेरी गुड। पहले तवा थोड़ा सा आग तेज करो। आग तो तेज था, मैंने पहले गरम आई थी, वो भी ऐसे बन गया माशाल्लाह। अच्छा इसका नहीं, मुंह बंद हो रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इसको भी ठाओ, इसको भी ठाओ और इसको भी ठाओ। वो देखो कह रहे हैं कि आप एक जना तो नीचे खड़ा हो जाना। अच्छा और मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक हैं। काफी देर हो गया वीडियो, रुक रुक के बना रहे हैं, आपको हमने बताया।
जाती आती नहीं है, सुबह जाते हैं। आओ आओ इधर से आओ, उनको भी साथ साथ लेके चलते। अच्छा, सुबह जाता है, मैं सुबह जाता है और रात को आता है, ऐसा भी तो हो सकता है। सुबह जाती है, रात को आती है। क्यों तुम फिर ये पराठा पका रहा है? तुम अपना भी तो बताओ ना। ये देखें, वाओ, ये नीचे से पक गया। ये पराठा है आलू एंड मेथी। हाँ जी, और किसने किसने साग बनाए हैं ये भी बताएं। मैं साग पूछती हूँ सब्जी वाला से, लेकिन सब्जी वाला कहते हैं मैं लेके दूंगी, लेकिन ये होते हैं कि फिर सोच पड़ती है कि ये कट्टा ना हो। पिज़्ज़ा को ना साग बहुत पसंद है। अगर कोई, चुप करो बेटे, अगर कोई साग, कोई साग पकाए तो पिज़्ज़ा को ज़रूर याद कीजिएगा। एक दफ़ा हमें साग भेज दें। हाँ हमें साग भेज दें, पिज़्ज़ा को बहुत पसंद है। जितनी देर सर्दी रहती है ना, हम सारी सर्दियों में ना साग खाते रहते हैं। इतना भी नहीं, मैं हांडी भी बनाती हूँ। हांडी भी बनाते तो हैं, दो तीन दिन जरूर खाते हैं हफ्ते में। ये भी बताओ ना, हफ्ते में दो तीन दिन साग खाते हैं। वाह, और मैंने एक साइड पे पकने दे दिया। पकने दे दिया, ओके। बाकी ये चीज है कि कभी हम तुर्की जब जाएंगे ना, तब उधर के पराठे बनाएंगे तो वो भी याद रखेंगे। पता नहीं मैंने ये पराठा बनाने कि नहीं, मैं फिर चीज पर ही बनाया करूंगी ना। नहीं बनाना, उधर खाना ही है। उधर होता है गोजले में, गोजले में ये गोजले में की तरह है, लेकिन आटा में चेंजिंग है, वो मैदा वाली आटा होता है, मैदे वाला। हाँ, इनके जो आटा होता है ना, वो फाइन आटा होता है, वो हमारे जैसा आटा नहीं होता, वो ओनली जो नान का खाते हैं ना, नान। अभी आप देखें मेरी पराठा, वाह माशाल्लाह, फ्लेयर हो गई है ना। हाँ जी बिल्कुल। आप सब बोले कैसा बना है? इंशाल्लाह आप सबको अच्छा लगा होगी ये वीडियो। इसको थोड़ा ऐसे दुबाएं। एक मिनट नीचे हो, बाहर देख के आना कौन आया है। बाहर तो देख के आ, कौन आया? मुकीम आया। जाओ दरवाजा खोलना। अब नीचे से बंद रहे, और इसके साथ में दे दूंगी अली को। दे आए हाय, मोजा तो फिर अली दिया ने, हैं? खुद क्या खाया है? मैंने खाया है छेने शोरबा। आज हमने बनाया है छेने शोरबा, और मैंने छेने शोरबा खा लिए, और वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो बनाया किसने? मैंने ही बनाया। मैंने बनाया। अच्छा, मैंने बनाया। ये देखें आप, इसको इसी करके चेंज करो। ओ तेरी खैर, एक दोनों, एक देखो, एक एक देखो और दूसरा देखो, ऐसे लग रहा है दो पराठे माशाल्लाह। ये ऐसे होते हैं ना, ये मेरी कंट्रोल में नहीं हो सकते। अच्छा, ये की से की बात है, कोई ज्यादा पकते है कोई थोड़ा पकता है। मुझे भी मुझे तो, और आप हमें बहुत बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चुप। अच्छा आगे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस वजह से कि आप हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और ये मेरी पराठा पक गई है, ये जिसे मैं चेक कर रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, ये देखो ये पक गई है। हमें भी दिखाओ ना, ये देखो, वेरी नाइस। अब मैं इसके ऊपर डाल रख दूंगी। ये पूरे पराठे तक आपने देखा है, तो अब आपने बताना है कि कैसा बना होगा। और साग का जरूर, साग का भूलिएगा ना, कोई भी मोहल्ले में बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा को जरूर आता है साग। ऐसे ये सबको पता है। तो दूसरे नंबर पे हमारे कोई रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी बनाता है ना, वो मुझे ज़रूर फ़ोन करते हैं, पिज़्ज़ा को फ़ोन करते हैं कि साग बनाया आके ले जाओ। पूछती रहती है। तो इंशाल्लाह कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये देखें।
हम्म।